सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ दे विच मैं हां तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। तो शुरुआत में एक नज़र मार लेने हां खास खबरां ते। कैनेडा में हुण तक 1,22,000 तो वध लोग कोरोना वायरस का शिकार। 9,026 लोगों की मौत और 1,00,000 तो वध लोग हो चुके हैं ठीक। कैनेडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के जीवन नाल जुड़िया खास गल्लां ते बनाई जा रही है कॉमिक बुक। कॉमिक बुक में ट्रूडो बारे कई खास गल्लां दा कीता जाएगा जिक्र। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने देश में कोरोना स्थिति के बावजूद स्कूल मुड़ खोलन से दिता जो निर्देशों का पालन न करने वाले स्कूलों को ट्रंप ने वित्तीय सहायता रोकी जाने की दी धमकी। तो हुण खबरां दा विस्थार। कैनेडा में हुण तक 1,22,000 तो वध लोग कोरोना वायरस के शिकार हो चुके ने। इत्थे हुण तक 9,026 लोगों की मौत भी हो चुकी है अते 1,08,484 लोग ठीक हो चुके ने। बीते 24 घंटे में ओंटारियो सूबे 40,646 मामले दर्ज होए ने अते 2,799 लोगों की मौत हो गई है। क्यूबेक 67 नवे मामले दर्ज होए ने। मैनीटोबा के सेहत अधिकारियों के मुताबिक इत्थे सिर्फ 2 ही मामले दर्ज होए ने। सस्कैचुएन में कोरोना के 1,580 मामले दर्ज हो चुके ने। इस दौरान 1,365 लोग कोरोना को मात दे के ठीक भी हो चुके ने। अलबर्टा में कोरोना के 12,053 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 221 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 10,796 लोग ठीक भी हुए हैं। ब्रिटिश कोलंबिया सूबे में कोरोना के 4,358 मामले सामने आए हैं। इत्थे कोरोना के कारण 196 लोगों की मौत हो चुकी है। बटाला निवासी पंजाबी नौजवान का कैनेडा के शहर ब्रैम्पटन में किसी ने कत्ल कर दिता है। इस संबंध में गुरमीत सिंह निवासी बटाला ने दसिया है कि उसके चचेरे भरा कमलजीत सिंह पटवारी निवासी ग्रेटर कैलाश कलोनी का बेटा सूरजदीप सिंह 3 साल पहला कैनेडा के ब्रैम्पटन शहर में 4 साल के स्टडी वीज़ा से आया। उस वेले कैनेडा के गुरुद्वारा साहब मत्था टेक के वापस आ रहा था। रस्ते में हथियारबंदा ने उसका चाकू मार के कत्ल कर दिया। उसका पर्स से मोबाइल खो के भी फरार हो गए। गुरमीत सिंह ने दसिया कि इस घटना बारे उन्होंने आज सवेरे 5 बजे फोन से सूचना मिली है। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के जीवन नाल जुड़िया खास गल्लां ते एक कॉमिक बुक बनाई जा रही है। टाइडल वेव प्रोडक्शन ने इस किताब से काम करना शुरू कर दिता है। कॉमिक बुक में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बारे कई खास गल्लां का जिक्र किया गया है। इस विच उन्होंने कॉलेज की जिंदगी के किस्सों भी शामिल किया जाएगा। टाइवल वेव प्रोडक्शन पोलिटिकल पावर नाल ग्राफिक नोवल सीरीज चला है। इस बार ट्रूडो को जगह दी गई है। 25 दिसंबर 1971 को ओटावा में पैदा हुए ट्रूडो ने 1915 कैनेडा के प्रधानमंत्री के रूप में सहु चुकी थी। वह लोगों विचकार काफ़ी प्रसिद्ध ने। लिहाजा प्रकाशक को उम्मीद है कि उन्होंने जीवन नाल जुड़ी कॉमिक बुक बाजार में धूमा पा देगी। 16 सितंबर को रिलीज़ होने वाली 24 पन्नियां की इस कॉमिक बुक में ट्रूडो की व्यक्तिगत और पेशेवर उपलब्धियों भी रेखांकित किया गया है। अलबर्टा में कोरोना वायरस के नवे 121 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दे नाल ही सूबे में कोरोना पीड़ितों की गिनती 12,053 हो गई है। इस दौरान एक 90 साल कोरोना पीड़ित बुजुर्ग बीबी की मौत भी हुई है। अलबर्टा के सेहत अधिकारी मुताबक एक दिन पहला हुई यह मौत पर उसकी रिपोर्ट मिलने देरी हुई है। इस करके इस डाटा में दर्ज किया गया है। हस्पताल में 63 लोगों का इलाज चल रहा है जिन्हों में 13 मरीज ICU में भर्ती ने। दसिया जा रहा है कि 10,000 तो वध लोग कोरोना वायरस को मात दे चुके ने और ठीक भी हो चुके ने। इस समय तक कुल 10,796 लोग ठीक हो चुके ने। इस समय एडमिंटन में 426 273 मरीज कैलगरी में क्रियाशील मने ने। डॉक्टर हिंसा के मुताबिक जांच चल रही है। उन्होंने कहा है कि एडमिंटन में कोरोना के मामले वधे ने अते लोगों नूं वधेरे ध्यान रखने की जरूरत है। कोरोना वायरस के कारण हस्पतालों वालों बाकी बीमारियों नाल पीड़ित लोगों के ऑपरेशन ते टेस्ट अजे टाल दिए गए हैं। इसके कारण डॉक्टरों नूं यह चिंता सता रही है कि कैंसर पीड़ित लोगों नूं समय सिर इलाज जां थैरेपी ना दिते जाने के कारण उन्हां दी स्थिति बिगड़ सकती है। बिल गार्डनर ना दे व्यक्ति नूं गले विच सोज सी अते कुछ खाना भी बहुत मुश्किल लग रहा सी ते आवाज़ भी बंद हो रही सी। उस नूं डॉक्टर नूं मिलण दा समां नहीं मिलिया जिस दे कारण उसकी स्थिति खराब हुंदी गई है। हुण पता लग गया कि उसका कैंसर दूजी स्टेज ते पहुँच चुका है। ओटावा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सने होर हज़ारां कैनेडियंस का मनना है कि कैंसर की स्टेज इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हज़ारां लोगों नूं टेस्ट करवाने लई उड़ीक करनी पै रही है। कैनेडियन कैंसर सोसायटी के सर्वे के मुताबिक हर रोज़ औसतन 617 लोग कैंसर लई टेस्ट करवाउंदे ने। जेकर मरीज नूं शुरुआत में ही कैंसर बारे पता लग जाता है तो उससे जल्दी ठीक होने की उम्मीद होती है। जेकर यह बढ़ जाता है तो मरीज को काफ़ी परेशानी और तकलीफ सहनी पड़ती है। इस लिए डॉक्टरों को चाहिए है कि कैंसर पीड़ितों का जल्दी टेस्ट करवा के उन्हों का इलाज करन ताकि उन्हों की स्थिति खराब होने से बचाई जा सके।
कैनेडा विच अमेरिकी प्याजा नाल फैले सैलमोनेला प्रकोप दे नाल 300 तों वध लोक बीमार पाए गए ने। जारी किए ताज़ा अपडेट विच कैनेडा की पब्लिक हैल्थ एजेंसी ने कहा है कि देश में 339 मामलों की पुष्टि हुई है। इन्हां विचों 100 मामलों की पुष्टि पिछले हफ्ते हुई सी। एजेंसी ने कहा है कि जेकर तुहानूं पता नहीं लगता कि लाल पीला चिट्टा जां मिठा पीला प्याज कित्थों दा है तां उसनूं ना खाओ। जनतक सेहत अथॉरिटी ने कहा है कि इस गल दा कोई सबूत नहीं है कि कैनेडा विच उगे प्याज भी सैलमोनेला फैलन नाल जुड़े ने। PHAC का कहना है कि लोग जून के अद्ध ते जुलाई के अखीर में बीमार होना शुरू हुए सन। हुण तक 48 लोगों को हस्पताल दाखिल कराया गया है। जिहड़े बीमार हुए ने उन्होंने घर रेस्टोरेंट और रिहायशी देखभाल सहूलतों में लाल प्याज खाने की जानकारी है। सैलमोनेला संक्रमण के कारण बुखार, ठंड लगना, दस्त, सिरदर्द, उल्टी वर्गे लक्षण दिसते हैं। हुण तक इसके 208 मामले अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया 78, ओंटारियो 8 और क्यूबिक 6 मामले पाए गए हैं। कोरोना वायरस नूं लै के देश दुनिया दे विज्ञानक लगातार अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन कर रहे विज्ञानी इस बारे आए दिन नवीं नवीं चीज़ां भी दस रहे हैं। हुण तक यह कहा जा रहा है कि कोरोना पीड़ित बजुर्गों लई वधेरे खतरनाक है, पर हुण एक नवीं गल होर सामने आई है। इस दे तहत जो व्यक्ति पहलां तों किसी गंभीर बीमारी नाल पीड़ित है कोरोना वायरस दे लई होर भी वधेरे खतरनाक है। विज्ञानियों के मुताबिक सधारण लोगों की तुलना में पहलां तों किसी बीमारी नाल जूझ रहे व्यक्तियों लई कोरोना वायरस ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। वड्डे पैमाने ते कीते गए अध्ययन विच यह पाया गया है कि दिल संबंधी समस्यावां दे नाल पीड़ित लोगों लई कोरोना वायरस खतरनाक है। इस वायरस दिल पेट विच आउण ते अजिहे लोगों विच मौत दा खतरा वध हो सकदा है। इह नतीजा कोरोना वायरस रोगियों दे इलाज विच जुटे डाक्टरां लई अहम हो सकदे ने। इस दे कारण उन्हां ने कोरोना दे नाल पीड़ित दिल दे रोगियों दे इलाज दौरान खतरे वाले कारकां नूं समझाउण विच मदद भी मिल सकदी है। अध्ययन विच कई कोरोना रोगियों विच दिल दीआं समस्यावां कारण कोरोना वायरस घातक होण दी गल सामने आई है। कैनेडा में ऑनलाइन सरकारी सेवावां दे यूजर अकाउंट्स नूं हाल ही विच साइबर हमले दे दौरान हैक कर लिया गया। कैनेडा सकत्रे दे खजाना बोर्ड ने दस्या है कि हैकिंग दे बाद GC की सर्विस नूं निशाना बनाया गया, जिस दी 30 संघी विभागां अते कैनेडा दी मालिया एजेंसी दे खाते वल्लों वरतों हुंदी सी। अधिकारियां दे मुताबक हैकरां ने 9041 GC की खाता धारकां दे पासवर्ड अते यूजर नेम सरकारी सेवावां तक पहुंचण अते इस्तेमाल दे लई वरते सन। इस दे नाल हैकर कई संवेदनशील जानकारियां तक पहुंच सकते सन। भावें कि हुण सारे हैक कीते गए खातियां नूं रद्द कर दिता गया है। अधिकारियों का कहना है कि लगभग 5,500 कैनेडियन मालिया एजेंसी के खातियां नूं साइबर हमले विच निशाना बनाया गया है। भावें कि टैक्सदातावां दी जानकारी की सुरक्षा के लिए इन्हां खातियां दे एक्सैस नूं रद्द कर दिता गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है। कोरोना इन्फेक्शन के वाधे मामलों के नाल लोगों में सहम का माहौल भी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में COVID-19 के मामले वध के 2 करोड़ के पार हो गए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी वालों जारी अंकड़ों में इसकी पुष्टि की गई है। जारी किए गए नवे अंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में इन्फेक्शन के कुल मामले 55,67,765 हो चुके हैं, जबकि 1,73,000 तो वधेरे पीड़ित लोगों की मौत हो चुकी है। हुण तक 29 लाख तो वध लोग सेहत जाबी हो चुके हैं। इन्फेक्शन के कुल मामले अमेरिका तो इलावा भारत और ब्राजील में भी ने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई बेकाबू स्थिति के बावजूद भी स्कूल मुड़ खोलन पर जोर दिता है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने स्कूल और कारोबार हुण खोलने पैणगे। बच्चों में अक्सर हल्के लक्षण ही होंगे ने, डॉक्टरी पेचीदगियां भी घट ही मिलदियां ने। इस दौरान अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले 53 लाख के अंकड़े पार कर गए हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो स्कूल शुरू नहीं करते तो बच्चे प्रभावित होणगे। ट्रंप ते उन्हां दा प्रशासन स्कूलों नूं दुबारा खोलने के लिए दबाव बना रहा है ते धमकी भी दे रहा है कि निर्देशों का पालन न करने वाले स्कूलों नूं वित्तीय सहायता रोक दी जाएगी। अमेरिका में चोण मुहिम के मद्देनज़र स्कूलों का दुबारा खुलना देश की आर्थिकता में सुधार लियाउण दे लई एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वह अलीबाबा समेत चीन दियां होर दूजियां कंपनियां ते भी दबाव डाल सकते हैं। चीन की कंपनी टिकटॉक ते ट्रंप पहला ही बैन ला चुके हैं। एक पत्रकार सम्मेलन में ट्रंप तो पूछा गया कि अलीबाबा सने चीन दियां कुछ होर कंपनियां ते बैन लाने बारे विचार कर रहे हैं, तो इस जवाब में ट्रंप ने कहा कि असीं दूजियां चीज़ां नूं भी देख रहे हैं। ट्रंप चीन के मलकीयत वाली कंपनियों से दबाव बना रहे हैं। अमेरिका ने चीन की कंपनी वाइट ट्रांस को आदेश भी जारी किया है कि 90 दिनों के अंदर अंदर टिकटॉक के काम को बंद कर दे। अमेरिका ने निजी डाटा सुरक्षा को लेकर इस दबाव को और बढ़ाया है। ट्रंप चीन को लेकर बीते कुछ समय तो लगातार हमलावर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका चीन व्यापारक संबंधों को अपने कार्यकाल में एक केंद्रीय विषय में बदल दिया है। हालांकि कुछ मौके अजे रहे हैं जब उन्होंने चीन की तारीफ भी की है।
अमेरिका के सिनसिनाटी में तीन वक् वक् थावां ते गोलीबारी में 17 लोगों को गोली लगी है, जिस विच कुछ दे मारे जान का भी खदशा है। सहायक पुलिस मुखी पाल न्यूटीगेट ने पत्रकारों को दस्या है कि शहर के ओवर द रेनेल इलाके में गोलीबारी की घटना में 10 लोगों को गोली लगी है, जिस विच 2 लोगों के मारे जान का खदशा है। गुआंड के वालनट हिल्स में भी 3 लोगों को गोली लगी है, उत्थे ही एनवरेल में 4 लोगों को गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक 2 लोगों के मारे जान का इतने खदशा है। मीडिया संस्थानों ने दस्या है कि एक दूजे तो 1.5 घंटे के फर्क नाल गोलीबारी दी घटनावां हुई ने। न्यूटीगेट ने कहा है कि तीनों घटनावां एक दूजे तो वक्खरियां लगदियां ने। विज्ञानियों ने $400 तो घट लागत के मानक उपकरणों की वरतों करके एमरजेंसी वेंटिलेटर विकसित किया है, जिसकी वरतों वेंटिलेटर ना होने की स्थिति में की जा सकती है। इस खोज के नाल कोविड-19 के मरीजों की जान बचाने में मदद मिल सकती है। कोरोना संकट दौरान हर देश को वधेरे वेंटिलेटर खरीदने की जरूरत पै रही है। साधारण वेंटिलेटर में डॉक्टर एक बैग में हाथ नाल दबाते हैं, जिसके नाल मरीज के फेफड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जबकि उच्च उद्योग वाले वेंटिलेटर के संस्करण में जटिल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की वरतों मरीज के शरीर के वक्त मापदंडों को कंट्रोल करने लिए की जाती है। वह अपने लैपटॉप के राही भी इसको कंट्रोल कर सकता है। इस महीने में पूरी दुनिया में ही सस्ते वेंटिलेटर विकसित किए गए हैं, पर विज्ञानियों का मानना है कि उन्होंने वालों विकसित वेंटिलेटर का संस्करण सब तो वधिया है। कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए विज्ञानी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हरेक देश के सामने सुरक्षित और ज्यादा प्रभावशाली वैक्सीन बनाने की चुनौती है। एक अजिही वैक्सीन जो पूरी दुनिया को इस संकट काल तो कढ़न का काम करे। भावें कि इनफेक्शन डिसीज़ माहर एंथनी फॉसी ने कहा है कि घट असरदार वैक्सीन भी इस महामारी के जाल तो दुनिया को बाहर कढ़ सकती है। फॉसी ने पिछले हफ्ते यह स्वीकार किया कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के 90% तक प्रभावी होने की संभावना काफ़ी घट है, पर 50 से 60% तक प्रभावशाली वैक्सीन भी राहत देने का वड्डा काम कर सकती है। अज दी नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ में बस इन्ना ही। हुण तुसीं मैनूं मनदीप कौर खालसा नूं दिओ आ गया। धन्नवाद जी।